हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों का रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और जो लोग पीछे रह गए थे वो लोग टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोगों की ही वजह से मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग पीछे की चीज़ों को कवर अप करते चलो, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। मतलब जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए आप लोग अभी अपने सिलेबस को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो। अगर आपका बेसिक तैयार हो गया, जो ये वाली चीज़ है, निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि आपका CBT 2 का भी 70% सिलेबस नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि CBT 2 में है ही क्या, मैक्सिमम चीज़ें तो यही हैं जो आप लोगों ने करी हैं। और एक वीडियो में आप लोगों को शायद प्रोवाइड करवा चुका होगा, आप लोग एप्लीकेशन में देख लीजिएगा, अगर नहीं करवाई है तो वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमने कोर्स में एक्सेस ले लिया लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन लोगों के लिए भी एक वीडियो में बना के ऐड कर दूंगा। फिलहाल जो रिवीजन चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। रीजनिंग हो या मैथ हो, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाते चलना। रीजनिंग जिस टीचर से आप कर रहे हो वो आप लोगों को पता है, इंडियाज के बेस्ट टीचर्स के में उन लोगों का नाम आता है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों की रीजनिंग हो रही होगी। मैथ्स में भी मैंने आप लोगों से कहा कि आप बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के द्वारा मैथ्स कर रहे हो, और जिस फैकल्टी से आपको वो NCERT कवर करनी चाहिए आप उसी फैकल्टी से कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को उन लोगों ने ऐसे समझाया है कि आप कंपटीशन नहीं, आप 9th और 10th के स्टूडेंट हो, और TCS आपसे वही एक्सपेक्टेशंस रख रही है। जो चीज़ें आप लोगों को जिस तरीके से कवर कराई जा रही हैं वैसे ही TCS आप लोगों से चीज़ें पूछ रही है। तो गाइज ये आप लोगों की चीज़ें थी, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल और हाँ, एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा है कि वैकेंसी का तो भैया अभी पता नहीं है दूर दूर तक, तो करें या ना करें, मैं आप लोगों से एक बार नहीं बार बार कह रखा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप जाइए ना जहाँ जाना चाह रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं तब आप लोगों के पास एक ही काम होना चाहिए, और मैं आप लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे से रूबरू करवा दूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा आसान इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं है। इतना ज़्यादा आसान काम जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने 1 साल की मेहनत में हर महीने 50,000 से 60,000 रुपए के इंसान स्टार्टिंग में हो सकते हो, और बाद में वो सैलरी लाखों तक जाती है 5-7 साल बाद, तो आप लोगों को क्या 1 साल की मेहनत भी ज्यादा लगती है? देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पूरी जिंदगी उतनी ही मेहनत करते रहो, या फिर आप 1 साल उतनी मेहनत कर लो जितनी आपको पूरी जिंदगी करनी है। तो आप लोगों का 1 साल ही आपको पूरी जिंदगी भर बैठा के खवा देगा। अगर आप इस टाइम को बर्बाद करोगे, जो ये मेन वाला टाइम है, तो आप लोगों को पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ 1 साल पढ़ाई करनी है या फिर पूरी जिंदगी पढ़ाई करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आप तो हो ही क्या, अपनी टीम में आपने देखा होगा एक वो थे सरदार जी थे, जो सतनाम जी थे, उनको पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया था, लेकिन उन लोगों उनका भी सिलेक्शन देखो, इतने टाइम के बाद भी सिलेक्शन हो गया ना। तो पढ़ना ये थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, वो पढ़ने में इतने ज़्यादा तेज थे, उसके बावजूद इतने दिनों से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो UPSI सिलेक्टेड हो गए, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इन चीज़ों को आप ये मत लीजिए कि ग्रुप डी में नहीं हुआ तो आपका ALP में भी नहीं होगा। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ, वो JEE निकाल के बैठे हुए हैं, समझ आ रही है ना। तो फिलहाल आप लोगों के चलते हैं टारगेट पे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट करना था, चाहे जिसने पहले बौद्ध धर्म किया बौद्ध धर्म करो, जैन धर्म किया जैन धर्म करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट डे 15 है, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स में आपका सबसे पहला जो टारगेट है आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें क्या दिया गया है, बौद्ध धर्म। अब अगर आपने पिछली बार ये बौद्ध धर्म कर लिया था तो अब आप जैन धर्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कम से कम उतना कर लीजिए, उससे आगे करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जितना आपको करवाया जा रहा है उतना जरूर कर लीजिए। और जब आप पेपर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें यहीं से देखने को ना मिले तो आप आके कहिएगा कि भैया जो पढ़ाया गया था उसमें से चीजें नहीं आई हैं। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि भैया स्टैटिक GK में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। स्टैटिक GK और GK के जो पोर्शन है वो एक बार में किसी को याद नहीं होता, ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो एक बार में पढ़ेगा और उसे सब कुछ याद हो जाएगा। सब लोगों की एक ही टेक्निक है मैक्सिमम कि वो बार बार उस चीज़ों को रिवाइज करते हैं तब जाके याद होता है, और आप जब बार बार पढ़ते रहोगे ना तो पेपर में जब चीज आएगी तो उस चीज़ को आप अटेम्प्ट कर लोगे, ये श्योर है। बस भले ही आपको वो पूरी तरीके से दिमाग में रटा हुआ ना हो, लेकिन आपने वो चीज़ पढ़ी हुई होगी तो आप उसे क्लिक कराओगे 4 ऑप्शंस में से, और यही आपको करके आना है। इसलिए आपको चीज़ों को बार बार दोहराना है जो आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग करेंगे,
जो मोस्ट इंपोर्टेंट में आती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा लेटेस्ट नियुक्तियों का पार्ट 5 आप लोग चल ही रहा है, जो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है मुझे। मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ग्रुप डी के अंदर हो या एसएससी जीडी के अंदर हो। टीसीएस का फेवरेट जो है वो पॉलिटी हो चुकी है और वो लगातार पूछती आ रही है। एएलपी में भी उसने पूछी, ग्रुप डी 2018 में पूछी और 22 में तो उसने झड़ी लगा दी इस क्वेश्चंस की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, सिर्फ और सिर्फ हमने आप लोगों को पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड कराए थे। और ना विश्वास हो तो किसी भी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट से पूछ लेना कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए गए थे या नहीं प्रोवाइड कराए गए थे। तो ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो नोट्स लेक्चर सब हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको तो इतना करना है, अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड आप लोगों को करवाई जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो चैप्टर है 9th की एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो उसका आप लोगों को बेसिक कवर करना है सिर्फ, और पेज नंबर 4 आप लोगों को फिजिक्स में कवर करना है। देखिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन, मैं कह रहा हूं ना एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं आगे भी। ये बात मैं ग्रुप डी में भी बोल रहा था और ग्रुप डी में एज इट इज हुआ है। जिन लोगों ने नहीं मानी थी वो पछता रहे, वो इधर उधर की बुक्स पढ़ते रह गए, जबकि पूरा का पूरा पेपर बना है एनसीईआरटी से ही। और आज भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भैया मैं महेश वर्णवाल पढ़ लूं, भैया मैं ये पढ़ लूं। अरे भाई जब एनसीईआरटी की किताबें हैं तो क्यों एनसीईआरटी को छोड़ के फालतू की चीजें पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठ के आएंगे, आपके सिलेबस में भी लाइन लिखी हुई होगी सीबीएसई क्लास 10th क्लास 9th, तो वो वहीं से उठ के आएगा, सीबीएसई एनसीईआरटी फॉलो करता है। इसलिए आप याद रखिए कि वही वाली चीजें आपकी आने वाली हैं। पेज नंबर 4 फिजिक्स आप लोगों को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों को डेली मिल रहा है। पोषक पदार्थ, ये न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर है, इसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। ये वाला चैप्टर आप लोगों को कवर अप करना रहेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन। अच्छा हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन जो मतलब इस टाइम पे इतना बुरा हाल हो रखा ना, मतलब मेरा मन सच में बता रहा हूँ, मैं किसी वजह से बस आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं रिवीजन करवाता नहीं, मैं आगे बढ़ जाता। वीडियो को एक भी बंदा लाइक तक नहीं करके जाता है, 1000 लोग भी देखते हैं। एक तो 1000 लोगों के लिए मैं लगा पड़ा हूँ यहाँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चलो कम से कम कुछ लोग हैं जो सही से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन लोगों का रूटीन ना टूटे। अदरवाइज मेरा मन नहीं करता है जितने बच्चे आ रहे हो इस टाइम पे आप लोग। खैर चलो जो भी है, मैथ्स वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो यार, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो आप लोग तो। यहाँ पे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप लोगों का मैथ्स में चैप्टर दिया गया है सिंप्लीफिकेशन। इसमें आप लोगों को क्या करना है, बी बोर्ड मास रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो बेसिक्स रहेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके। और ये वाली जो चीज़ है ये याद रखना, साइंस और मैथ्स ये दोनों चीजें आप लोगों को सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेंगी, इसलिए इन चीजों को इग्नोर ना करके इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रीजनिंग में आप लोगों का कैलेंडर जो पार्ट है उसका फाइनल पार्ट आप लोगों को करना है, और उसके अंदर आप लोगों के PYQ करने हैं। आप लोगों को PYQ के लिए आप यूथ देख सकते हो, किरण पब्लिकेशन देख सकते हो, या और भी कोई बुक है जिसमें आपके PYQ दिए हुए हैं तो आप वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये आप लोगों का टारगेट था। इसके अलावा वो चलते हैं हम नेक्स्ट टारगेट की ओर। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट, टारगेट डे 16। अब बार बार रोना नहीं कि भैया ज़्यादा हो गया। देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, पिछले हफ्ते भी आप लोगों को एक हफ्ता पूरा दिया था उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन का टारगेट था, लेकिन आप लोगों को पूरा हफ्ता दिया गया था, तो इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में बात करूं तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होता है, जो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बंदरगाह से ही पूछे जाते हैं कि कौन सा पोर्ट कहां पर स्थित है, तो ये वाले क्वेश्चन और जिन पोर्ट के नाम चेंज हुए हैं वो तो पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ही। तो जलमार्ग और वाटरवेज और सी पोर्ट आप लोगों को करना है। नियुक्तियां आप लोगों की चल रही हैं, उसका आप लोग अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रक्षा उपकरण, ये जितने भी हैं रक्षा के उपकरण,
ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों से पूछ लेता है कई बार कि भैया ये वाली जो अग्नि है क्या है, मिसाइल है क्या है, अपाचे क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, ये क्या है, ये आप लोगों से कई बार 2018 में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो हो सकता है कि दोबारा से इस चीज़ को ले आए। 2022 में इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 2018 में पूछा था, इसलिए वो 2023 में भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी आप कवरअप करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का साइंस, तो इसमें आप लोगों का आ गया है परमाणु एवं अणु, ये जो चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका आपको हाफ कवर करना है, ठीक है, क्योंकि पिछला वाला जो चैप्टर था वो तो आप लोग उससे पहले टारगेट में भी कर चुके थे, इसलिए इसका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसका सिर्फ और सिर्फ हाफ कवर करें आप। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो आप पिछला वाला कर लीजिए, अगले वाले जब टारगेट में आएगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा मैंने कुछ दिया ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के PYQ NCERT के एग्जाम्पलर आप लोगों को निपटाने हैं, वो आप लोग कहीं से भी निपटा सकते हैं, हम लोग भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। समझ आ गई इतनी बात। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल, इसका मैं एक पेज भी दूंगा, लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ये वाली चीज़ आप लोगों को कवरअप करनी रहेगी। अब बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में है आप लोगों का प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स और सिंप्लीफिकेशन, जो आपको पहले दिया था उसका आपको PYQ करने हैं, और प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करें, क्योंकि ये अगले टारगेट में भी आप लोगों को दिया जाने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल ही आप लोगों को करने हैं, और बाकी सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने रहेंगे। जो मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि मैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस करूंगा, भाई सारे क्वेश्चंस करोगे तो रह जाओगे, कभी टारगेट पूरे नहीं होंगे। टारगेट पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप लोगों को जो चीज़ दी गई उसमें आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्यों, मैं क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ आप देख लो कि कैसे क्वेश्चंस पीछे आते रहे हैं। आप लोग जब उस चीज को देख लोगे तो आप लोगों के दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ALP में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, JEE में ऐसा पूछा था, बस हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि हाँ 32 गुणा ये लिखा हुआ है तो गुणा भाग करके मैं कर ही लूंगा, मुझे बीबी वर्ड मास रूल आता है, बस हो गया, करना नहीं है वो क्वेश्चन, देख लिया आपने, दो क्वेश्चंस कर लिए बहुत हो गया, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है, एक टाइप के दो क्वेश्चन कर लो, चार क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में आ गया कि ऐसे सोल्व होगा तो खत्म हो गया, बस सोल्व हो गया वो, उसे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रीजनिंग, छिपी हुई आकृति करनी है, एम्बेडेड फिगर, इसका आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और आकृतियों का विचलन, ये डेविएशन ऑफ फिगर, ये इसलिए डाला है कि ऊपर की चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, इसलिए आप, क्योंकि टारगेट ज़्यादा हो गया इसलिए आप ये वाला जो चैप्टर है बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोग ये वाला टारगेट कंप्लीट करेंगे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट टारगेट में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, लेकिन आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियोज़ को बहुत बहुत ज़्यादा बुरी रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ रही है, कोई भी बच्चा लाइक तक नहीं कर रहा है, शेयर करना तो दूर की बात है, तो थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए जिससे हमें भी मोटिवेशन रहे। अदरवाइज होगा वही कि अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं है तो फिर हम लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे, या फिर लेक्चर्स जो जा रहे हैं मैं फिर आप लोगों के लिए क्यों करना शुरू करूंगा, फिर बात डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ही बच्चों को ना देते रहे सारी चीज़ें, यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोगों को सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर।